जितेंद्र साहब, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। जो आप ये लिखते हैं, ये कहाँ से आती है चीज़ें आपके पास, कहाँ से कॉन्सेप्ट आते हैं, वो भी चीज़ बताएं जरा। अच्छा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आप, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो मेरा लिखने की प्रेरणा के कई मौजूद हैं, जिसमें मुख्य है हमारा समाज जी। जिस समाज में मैं चंबल के एक बीहड़ गांव से हूँ और अब ग्वालियर रहा हूँ, 15-16 साल रहा हूँ, लेकिन अब जॉब लग गई है, मैं फिर से गांव में पहुँच गया हूँ। अच्छा। तो मेरा 6-7 4-5 गांव से शहर का रुख करते हैं लोग, आपने शहर से गांव का रुख क्यों करा? क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे अपनी ज़मीन, अपना गांव, अपना परिवेश बहुत प्रिय रहा है, शुरुआत से भी रहा है। तो रोज़गार के लिए एक जो विस्थापन होता है, जी, राइटिंग के माध्यम से कहाँ तक अपनी लेखिका को लेके जाना चाहते हैं और अपनी लेखनी को आप कॉमर्शलाइज करना चाहते हैं, उससे से अपना संसाधन विदित करना चाहते हैं या फिर समाज के लिए लिखना चाहते हैं, वो बताएं। मैंने शुरुआत से लेकर के अब तक कोई अपना जितना भी लेखन है, इसे कहें कि आर्थिक को उसके लिए नहीं किया है या किसी लाभ के नहीं लिए नहीं किया है। मेरा जो लेखन है वो समाज के लिए है, समाज की जो पीड़ाएं हैं, संवेदनाएं हैं और जो जो सोच रहा है कि समाज किन चीज़ों से आगे जाएगा, वो सारी चीज़ें हमारे साहित्य में, हमारी कहानियों में, हमारे उपन्यास में, हमारे लेखों में वो आई है, वो लगातार आगे भी आती जाएगी। तो आर्थिक का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं फिर आप उससे समझौता करते हैं, अपने विचारों से समझौता करते हैं, आप जिस विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं, जिस चेतना को लेकर चल रहे हैं, आप उससे भी समझौता करने लगते हैं। आप फिल्म पत्रकारिता लाइन में, अपनी प्रिंट मीडिया में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना चाहते हैं या फिर अपनी मूवीज़ वगैरह, सीरियल्स वगैरह में लिखना चाहते हैं, किस विषयों पर आप अधिकतर अपना लिखना उचित समझते हैं कि मुझे इस सब्जेक्ट पर ज़्यादा अच्छी लगता है, रुचि मिलती है इसको लिखने में? पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि मैं पहले से प्रिंट मीडिया में हूँ। साहित्यिक क्या है कि मैं 15-16 साल की उम्र से साहित्य में लिख रहा हूँ, कहानियाँ लिख रहा हूँ। मेरी पहली कहानी जब मैं 22 साल का था, तब 2002 में कथा देश के नवलेखन अंक में आई थी, और उसके बाद चाहे वसुधा हो, कथाक्रम हो, कथा देश हो, बागर्थ हो, बहुत सारी पत्रिकाओं में, देश की नामचीन पत्रिकाओं में मेरी कहानियाँ छपी हैं। 2015 में ज्ञानपीठ का युवा नवलेखन अनुशंसा पुरस्कार भी मुझे मेरे कहानी संग्रह पर मिला है, जिसमें 17 कहानियाँ हैं। नए सजन घर आए, नए सजन घर आए एक महत्वपूर्ण कहानी है, जिसमें ग्वालियर चंबल में बाबा साहब का आंदोलन, उससे पहले स्वामी अच्युतानंद जी का आदि हिंदू आंदोलन किस तरह से फैला और किस तरह से लोगों में एक चेतना आई। मुझे लगता है कि वो चेतना उत्तर प्रदेश के बाद ग्वालियर चंबल देश का ऐसा हिस्सा है कि लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हैं जी। उस उन आंदोलनों का, उन चेतनाओं का जो प्रभाव है वो हमारी कहानियों में आया है जी। आगामी क्या रहेगा आपका लिखने का, वो बताएं। अब अर्जुन सिंह का साथ मिला है, उन्होंने कहा कि मिलकर के एक फिल्म लिखनी है। मैंने फिल्मों पर रिसर्च भी किया है और एक बड़ा शोध पत्र है, 45 पेज का है, जो जिसकी कवर स्टोरी 2013 में दलित दस्तक ने भी छापी थी, और शिल्पायन से किताब भी आई है, गौतम बुक सेंटर से भी आई है, उसमें वो लेख है। अभी उद्भावना ने भी उसे किस्त छापा है। और तो मैंने 100 साल के सिनेमा पर, सिनेमाई सदी और हाशिए के समाज, इस पर भी रिसर्च किया है, और अभी जो वॉइस लिखा है वो भी एक रिसर्च का ही परिणाम है। अब इससे पहले 2 साल पहले अर्जुन से तो मेरी मुलाकात बहुत पहले की है, लगभग 10 साल पुरानी है, 9-10 साल पुरानी है। हमारे साथ इतने वरिष्ठ लेखक मौजूद हैं, रायपुरिया साहब हैं, जितेंद्र साहब हैं। रायपुरिया साहब, अभी जो आप लिख रहे हैं, ये किस सेक्टर में अधिकतर लिखते रहना चाहते हैं आप कि मुझे इस सेक्टर में अच्छा वर्क मिलता रहेगा तो मैं इसमें कंटिन्यू करता रहूँगा, वो भी बताएं। दरअसल में ऐसे हमारा जो लेखन है, हमारी PhD लोकतंत्र पर है जी। तो लोकतंत्र इस देश में क्रियान्वित हो
लोकतंत्र में के वे समस्त आस्पेक्ट, वो समस्त कंपोनेंट जो लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, लोकतंत्र को विस्तारित करते हैं, उन पर मेरा लेखन रहता है। और साथ साथ में कल्चर के मामले में ये है जो आज देख रहे हैं, जो अर्जुन सिंह जी कर रहे हैं, इस तरह का कल्चरल रिवोल्ट के लिए या कल्चरल जो सांस्कृतिक विद्रोह, जो संस्कृति कौन, वो संस्कृति जो समता स्वतंत्रता वनता के विरुद्ध है, इस के विरुद्ध और बहुजन संस्कृति का निर्माण, पुनरुत्थान जिसको कहें, पुनरुत्थान शब्द ज़्यादा बेहतर इसलिए है क्योंकि हमारी संस्कृति पूर्व में थी, सिंधु घाटी सभ्यता में संस्कृति थी और अब रहे, उसको हम सुरक्षित संरक्षित रखना चाहते हैं, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको इस महान सांस्कृतिक विरासत का उत्तराधिकारी बताया है, इसलिए उस पर ही हमारा लेखन चलता है। हमारे चैनल से आप लोगों ने बात करी, इसके लिए धन्यवाद साहब, थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।